का और मैं हूँ आपके साथ निशा। ये विजुअल्स हम जो आप देख रहे हैं ये जम्मू से अखनूर पुंछ नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं और समय की बात करें तो लगभग 6:45 का समय हुआ है और आप घना कोहरा जो है वो देख सकते हैं कि विजिबिलिटी इस समय जो है वो 0% है और अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी घरों से निकले और वेदर कंडीशंस को भी देखकर निकले। आपको ये बता दें कि इस समय 6 बजे का समय है और घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। मैं ये कह सकती हूँ कि 0% विजिबिलिटी है यहाँ पर। बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान से आप गाड़ी चलाएं और बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही घर से निकले क्योंकि इस समय कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो घना कोहरा जो है वो जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों पे पड़ा हुआ है। मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रही कि जम्मू कश्मीर जो है जम्मू अखनूर हाईवे पर इस तरीके का कोहरा है, गांव-गांव जहां पर भी पानी के इलाके हैं और वहां पर हर जगह इसी तरीके का घना कोहरा जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। और इस समय भी मैं आपको यही सिर्फ कोशिश कर रही थी दिखाने की कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही अपने घरों से निकले क्योंकि यहाँ पर पूरे रास्ते की जो विजिबिलिटी है वो इसी तरीके की है, 0% विजिबिलिटी मैं कह सकती हूँ। यहाँ पर बिल्कुल आगे कौन सी गाड़ी जा रही है ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी था इसलिए हम भी कहीं पर जो थे निकले हुए थे, लेकिन हमने ये कोशिश करा कि बाकी लोगों को हम जरूर जो है अलर्ट कर दें जो कि अगर चाहते हैं कि घर से निकलना। हालांकि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही निकले और बहुत ज्यादा इस समय जरूरी है कि आप ध्यान से गाड़ी चलाएं क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा हालात जो है वो खराब हैं। और जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं मैं उनको भी बता दूं कि बहुत ज्यादा इस समय जो है वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में जो है इस समय काफी ज्यादा कोहरा पड़ चुका है। मैं एक बार फिर से तस्वीरें ही आपको दिखा दूं ताकि आप तस्वीरें दूर दूर तक देखें जहां पर आप ये देखेंगे कि सामने विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं आपको प्रयास भी करूं यहाँ वहां से कुछ दिखाने का तो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि बिल्कुल साथ की जो गाड़ी है वो जरूर दिख रही है लेकिन वहीं पर आपको बता दूं कि एक बार फिर से हम डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन का बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने जो है वो लोगों की आवाज सुनी, पेरेंट्स की आवाज सुनी, बच्चों की आवाज सुनी और स्कूल में जो छुट्टियां हैं वो डाल दी क्योंकि ये मौसम और वहीं पर बच्चों का स्कूल जाना बहुत मुश्किल ये जो लग रहा था क्योंकि वेदर को लेकर भी जो अपडेट्स है वो भी लगातार हमारे पास पहुंच रही है जिसमें यही बताया है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में घना कोहरा जो है वो पड़ने वाला है लेकिन उसके साथ ये भी बताया था कि बारिश भी होने वाली है लेकिन बारिश की संभावनाएं जो है वो नहीं इस समय जम्मू कश्मीर में, शायद इसलिए ज्यादा घना कोहरा जो है पड़ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों को अलर्ट करना चाहती हूँ, उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ जिनको घर से निकलना है कि आप अपनी गाड़ी की कंडीशन जो है उसको पूरी तरीके से जो है जांच करवा लें। जो गाड़ी की आपकी लाइट्स हैं, हेडलाइट्स हैं या फिर दूसरी नॉर्मल लाइट्स जो भी रहती हैं उसको भी अच्छी तरीके से जो है उसकी जांच करवाएं फिर ही घर से निकले क्योंकि बहुत ज्यादा हालात खराब है इस समय इस हाईवे के तो खास करके। और ये हाईवे की मैं इसलिए ज्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर काम चल रहा है और कंडीशन जो रोड की वैसे भी नॉर्मल नहीं है। आप गर्मियों में भी इस मौसम अगर रोड से निकले हैं तो आपने देखा होगा कि इसकी कैसी कंडीशन है और वहीं पर अभी तो सर्दियां हैं, कोहरा पड़ा हुआ है और जगह जगह पर जो पैचेस हैं वो जो है पड़ रहे हैं, मशीनरीज खड़ी हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सतर्क होकर गाड़ी चलाएं, कहीं ऐसा ना हो कि सामने मशीनरी है और वो आपको दिखे ना क्योंकि सच में जो कंडीशन है उसमें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है चीजों को देखने की। और ये कुछ इस तरीके की जो यहाँ पे जो है रोड्स की कंडीशन है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अगर आप निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं तो रोड को एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि जगह जगह जो काम चल रहा है उसकी वजह से भी जो है रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत मुश्किल है हमारे लिए भी इस समय इस रोड पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो रही है रास्ता भी देखना, लेकिन हमारे यह फर्ज था कि हम आम जनता को ये जरूर बताएं ये कि इस रोड पर खास करके अगर आपको चलना है तो सतर्क रहें क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है तो वैसे भी बहुत मुश्किल हो रही है इस रोड पर गाड़ी चलाना। तो कहीं ना कहीं हमने कोशिश की आप तक पहुंचाने की और अब अगर आप भी जम्मू से अखनूर और अखनूर से जम्मू यानी नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं तो सावधान रहिए क्योंकि रास्ते पे काम भी चल रहा है और विजिबिलिटी भी इस समय जो है वो हम शून्य भी कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे आने वाले मौसम में भी बताया जा रहा है कि अभी 13 तक इसी तरीके की हालात जो है वो जम्मू कश्मीर में रहने वाली है। बाकी जो है गाड़ी जरूर चलाएं, सतर्क होकर चलाएं, सेफ होकर चलाएं
और यही जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए खबर को ताकि सब तक ये कंडीशन पहुंच पाए। तो फिलहाल मुझे इस अपडेट से दीजिए इजाजत, नमस्कार।